एक महीना में 1 किलो चावल मिलते, इनकार किया है, अभी होगा होगा बोल के 5 साल ऐसे करके चला गया। इस वक्त हमें डायमंड हार्बर में, ये अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मीडिया का माइक और कैमरा देखकर ये एक बुजुर्ग अम्मा है, इन्होंने हमें रोका और ये अपनी समस्या हमसे साझा करना चाहती थी। हालांकि इन्होंने जो अपनी समस्या बताई है वो बांग्ला में बताई है, जो कि हम बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर हमारे एक और साथी मौजूद हैं, हमें बताएंगे कि अम्मा ने क्या बोला, वो हिंदी में हमें समझाने की कोशिश करेंगे। इनका 5 लड़की है, इनका माने हस्बैंड गुजर गया है, 15 साल हो गया, इनको अभी तक कुछ नहीं सहायता मिला है। उनको इन चाहता है जो हम लोग को कुछ हेल्प करे सरकार, लेकिन ये लेके बहुत बार गया है, पंचायत ऑफिस गया है, अभी लोकल जो है पंचायत का मेंबर है उसका पास भी बोला है, कोई इनका इनकार किया है, अभी होगा होगा बोल के 5 साल ऐसे करके चला गया है। इनका तेल नहीं मिलता है, राशन में जो है 1 महीना में 1 किलो चावल मिलता है, एक किलो चावल में इनका क्या परिवार चलता है, इनका भी नहीं होगा। उनका परिवार है, 5 लड़की है, 5 लड़की में से छोटा लड़की ये है और रहता है कलकत्ता में, बाहर में रहता है लड़की लोग। तो इनका समस्या है जो हमको बद्धक भत्ता मिले, कुछ पैसा मिले जो हम बूढ़े में हम कुछ इसका हल कर सकते हैं। अच्छा दादा, ये अम्मा से पूछकर बताइए कि किन किन लोगों तक ये अपनी शिकायतें लेकर गई हैं? तुम्हें कार काचे काचे क्या चो, ये जो ने बातों को भाता पाओ नहीं, कार कार काचे क्या चो, तुम्हार काचे गिची टुम्पार काचे गिची झाड़ा तम मन पोधन होए, पंचायत सदस्य था उनको उनका पास गया था, कोई इनका हल मूल नहीं किया सका। अच्छा, यहाँ पर एक दादा भी मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि वो अपनी समस्या बताएं, इस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? समस्या क्या है, एक तो देखता है हमको ना चावल मिला ना कुछ मिला, अनफान में कुछ मिला ही नहीं है। हाँ, अनफान झड़ में हमको कुछ नहीं मिला, लॉकडाउन में भी कुछ नहीं मिला। हाँ, अभी तो हमको काम कारखाना रहा बंद हो गया, हम बैठा है अभी। हाँ, ना हमको विधवा पेंशन मिलता है ना कुछ मिलता है। हाँ, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि चक्रवात आया उस दौरान भी कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी गई, लॉकडाउन के दौरान भी कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी गई। अम्मा ने अपने आप से हमें रोक के अपनी समस्या बताई है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं, ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि एक सरकार की जिम्मेदारी प्रदेश के अंतिम नागरिक तक होती है, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान, चक्रवात के दौरान कोई भी सरकारी सुविधा इन्हें नहीं मिली, किसी भी कई लोगों से शिकायत भी कर चुकी हैं अम्मा, लेकिन कहीं से कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल का हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जमीनी हकीकत क्या है, आप जुड़ रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।